जागो जागो जागो, सुबह हो गई, जल्दी से पानी पी लो, ठंडी हो गई। मैं सुबह चाय नहीं पीती। मतलब ये गाना ना मंजू को बस मैंने एक बार सुनाया होगा, सुबह उठी थी और मैंने जस्ट ये गाना गाया, जागो जागो सुबह हो गई। तो अब मेरी बेटी अगर सुबह के 4:30 बजे भी उठती है ना, तो यही बोलती है, सुबह हो गई मम्मी, उठ जाओ। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक पे जाते जाते हम लोग नीम का पत्ता भी खाने वाले हैं। मेरे साथ मम्मी हैं और वंशु भी है। मंजू सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाती है और वो उठ करके हम लोग को भी उठा देती है। पहले घर में सबसे पहले मैं ही उठती थी, लेकिन अब मैडम जी जग जाती है और सुबह हो गई, उठ जाओ मम्मी, सुबह हो गई। बस यही काम करती है और कुछ नहीं करती है। क्यों छुपो? आजकल हम लोगों ने नीम खाना स्टार्ट किया है। एक्चुअली मम्मी पहले से खाते, मतलब मम्मी को देख करके चिटिंग करके मैंने खाना स्टार्ट किया। वंशु और मेरा देखिए मास्क बिल्कुल सेम सेम है। वंशु को मेरा सा मास्क चाहिए था, तो एक हाथ से तो खाने, मम्मी इसको तोड़ दीजिए ना, एक हाथ से टूटेगा नहीं ना, एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है मैंने। स्टार्टिंग में ये इतना ज़्यादा कड़वा लगता था ना, बट अभी सही है। छोटी सी वॉक वॉक हो गई है खत्म। बेसिकली वंशु को थोड़ा घुमाना होता है कि सुबह सुबह का हवा लग जाए। और ये पकड़ मत लेना तुम उसको कभी। जब से पेपा पिग देखना स्टार्ट किए ना, तो उसको सुअर के बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया है, मतलब हद से ज्यादा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं भी, तो डर भी लगता है किसी दिन गोदी उठा के न लेकर के आ जाए। सुबह के मॉर्निंग वॉक का बस यही होता है कि वंशु को सुबह का हवा लग जाए मॉर्निंग का, और हम और मम्मी नीम का पत्ता खा ले, मतलब मैं और मम्मी। तो फटाफट से घर जाते हैं और नाश्ते की तैयारी करते हैं हम लोग। आज हमारे घर के बाहर गायें आ गई हैं। हमारे यहाँ रोटियाँ बहुत रहती है क्योंकि रात को गाय के लिए 2 रोटी तो बनती ही बनती है। हम लोग जाते हैं गौशाला में देने के लिए रोटी, तो आज थैंक गॉड यहाँ पे गाय आ गई है। मुँह बोलती है, कितने का हुए काउंट करो। 3 का हुए, अरे वाह। 4 नहीं है बेटा, 3 ही है। मंजू क्या कर रहा है बेटा? नल बंद करो, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए अपने को। बंद करो बेटा प्लीज। मंजू क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है मंजू, अरे वाह। आज नाश्ते में बन रहा है ये ढोकला। इस ढोकले के पैकेट से 5 बार बन जाता है ढोकला, और इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। ज़रा सा तेल डालेंगे और पानी घोल के बस डाल दीजिए बनने के लिए। मतलब 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। और ये मेरे लिए तो खासकर बहुत इजी ब्रेकफास्ट होता है। यहाँ पे साबुदाना की खिचड़ी बन रही है, और इसके साथ साथ ढोकले के लिए मैंने ये चढ़ा के रख दिया है। तो इंस्टेंट ढोकला बनाने के लिए आप ले लेंगे बाउल में मिक्सचर जितना भी आपको चाहिए। मैंने जितना लिया है वो हम चारों के लिए बस होता है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद हम इसमें धीरे से पानी मिलाना स्टार्ट करेंगे और घोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप पानी ऐड करोगे ना, तो ये अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाता है सच में एकदम। मतलब जस्ट देखिए कितना बबल आना स्टार्ट हो गया है। बस इसे अच्छे से घोल करके एक बर्तन ले लेंगे जिसमें आपको ढोकला बनाना है। उसमें तेल डाल करके अच्छे से, मतलब उसमें ऑयलिंग कर देंगे ताकि ढोकला चिपके ना। उसके बाद अपना मिक्सचर हम डाल देंगे इसमें। ये इंस्टेंट ढोकला का पैकेट आपको ऑनलाइन, मतलब कहीं भी मिल जाएगा। बहुत इजी ब्रेकफास्ट हो जाता है। फिर आपको जिस भी बर्तन में ढोकले को बॉईल करना है, स्टीम करना है, उस बर्तन में आप चढ़ा लेंगे। 15 से 20 मिनट में हमारा ये ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। फिर हमने एक पानी रेडी किया हुआ है ढोकला का, जिसमें बस हमने राई का, सरसों का छौंक लगाया था मिर्ची के साथ। फिर उसमें पानी डाल करके हल्का चीनी, हल्का सा नमक और थोड़ा सा नींबू डाल दिया था। जैसे ही ठंडा हो जाता है ये, हम इसे ढोकले के ऊपर डाल देते हैं। ये पानी डालने से ढोकला बहुत अच्छा फूल जाता है। फिर धनिया पत्ती से इसका गार्निशिंग कर दीजिए। बस ये खाने के लिए तैयार है। तो नहाने वाने का काम हो गया, भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है। आज नाश्ते में साबुदाना की खिचड़ी और ढोकला। वंशु को नींद भी बहुत जोर आ रही है, तो पहले मैं इसे सुला लूंगी, साथ साथ नाश्ता भी कर लूंगी, फिर बात करती हूँ आपसे। एट लास्ट 1.5 घंटे के बाद बाबू सोइए, वेट करते 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 हालत खराब हो गया सीरियसली। उसने मेरा क्लिप भी बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया, क्योंकि नींद में थी वो, बहुत गुस्से में थी और गोदी से उतरना चाह ही नहीं रही थी। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से डीमार्ट। मास्क ले लिया है, सब कुछ ले लिया है, हम लोग डीमार्ट चलते हैं।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं फिर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ने लिया, उनको कहीं भी जाना है तो आप झूला लेके जाया करिए। क्या जरूरत है वहाँ से झूला खरीदने का, आराम से अपने बैग में लेके जाइए। चलिए चलते हैं डी मार्ट। मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि हमें तो मास्क लगाना पड़ता है लेकिन फिर भी हम लोग लिपस्टिक क्यों लगाते हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया। मे बी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, कोई तो देखने वाला नहीं है फिर भी लिपस्टिक लगाएंगे हम लोग। अरे बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है ओलंपिक में, और भुवनेश्वर एक पहली ऐसी सिटी है जो 100% वैक्सीनेटेड हो गई है, मतलब वहाँ पे एक एक पर्सन ने वैक्सीन लगा लिया है। तो अगर आपके भी अगल बगल कोई है तो उसको प्लीज़ वैक्सीन के लिए इंसिस्ट करें कि जाके लगाएं। हमारा मतलब हमारा जहाँ हम रह रहे हैं वो भी होना चाहिए 100% वैक्सीनेटेड। तो फिलहाल हम जा रहे हैं डी मार्ट और बेइंतहा गर्मी पड़ रही है। क्या होता है ना, जब कोई ऐसे गर्मी उर्मी में कोई सॉक्स पहनता है तो स्वेटर पहनता है तो मैं खुद भी देखती हूँ तो बहुत रिएक्ट करती हूँ कि कैसे इतने गर्मी में पहन लिया है, गर्मी नहीं लग रही होगी इनको। तो आज मैं भी वही पब्लिक रिएक्शन देखना चाहती हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और देखिए मैंने क्या पहना हुआ है। तो मैंने आज पहना हुआ है सॉक्स। एक्चुअली मेरे को बहुत मन है पब्लिक रिएक्शन देखने का कि हाउ पब्लिक रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं उन्होंने ऐसे सॉक्स में देख करके। बाय द वे मैं डी मार्ट जा रही हूँ कुछ कुछ सामान लेने के लिए। पहले हम डी मार्ट पहुँचते हैं भाई, बहुत धूप हो रही है। तो डी मार्ट के बाहर ही प्रॉपर नोटिस लगा हुआ था कि एक फैमिली से एक ही मेंबर अंदर जा सकता है। तो आप जब अंदर घुसेंगे तो जस्ट नीचे वाले फ्लोर में तो सिर्फ ग्रॉसरी आइटम रहता है लेकिन ऊपर में इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं मक्स के, इतने अच्छे प्राइस में। उसके बाद आप बच्चों के लिए भी बहुत सारे वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों में होते हैं, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और दाम तो खैर कम होता ही है यहाँ का। इसके बाद यहाँ पे एक राखी का भी स्टॉल लगा हुआ था, मैंने देखा राखी भी बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ लगी हुई थी, वो भी बहुत रिजनेबल रेट में थी। फिर ऊपर जिस सेक्शन में मुझे प्रॉपर जाना था कपड़ों के सेक्शन में, मैं वहाँ चली गई और उसके बाद मैंने कुछ कुछ ट्रायल भी किया लेकिन बहुत टफ था मेरे लिए ट्राई करना, इतने गर्मी में इतना ट्रायल करना लिटरली मैं पागल हो गई थी पूरी। डी मार्ट से सामान ले लिया, बहुत भीड़ थी, भीड़ से बच बच के निकला, फिर भी बहुत लेट हो गया है। अभी खाना भी नहीं बनाया बट उतना टाइम नहीं लगेगा, बस बाबू ना उठी हो पता नहीं, मतलब सब बोलते हैं गर्ल्स को शॉपिंग करना पसंद है, वुमेंस को शॉपिंग करना पसंद होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल बोर हो जाती हूँ शॉपिंग से। पता नहीं यार लोग इतना ट्रायल कैसे करते हैं, बट एट लास्ट जो मुझे चाहिए था वो मिल गया है। फिलहाल फटाफट से घर पहुंचते हैं, खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं मैंने क्या लाया है। एट लास्ट सारा काम ख़त्म हो गया, खाना भी बन गया है और वंशु के लिए थोड़ी सब्जी भी बन गई है, अब एकदम फ्री फ्री लग रहा है। इतना ज़्यादा धूप है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। आज मैं एक पब्लिक रिएक्शन करने वाली थी, मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैं सॉक्स पहन के गई थी और देखना था कि डी मार्ट के अंदर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन डी मार्ट के अंदर कैमरा यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। स्टार्टिंग में ही मुझे रोक दिया गया, फिर तो उसके बाद ऐसा हाल हुआ कि जब भी मैं फ़ोन अपना ऐसे उठाती तो आ करके वो एक बार जरूर देख लेते, तो मेरे को ऐसे उठा करके ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था। वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला है कि मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, जो हल्का फुल्का मैंने रिकॉर्ड किया है वो भी बहुत छुप छुपा के रिकॉर्ड किया है। सीरियसली एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी, ऊपर से हम सॉक्स पहन के गए, इतना धूप है यहाँ पे, एक तो हम ऐसे ही इतने गोरे हैं, धूप में तो हम और गोरे हो जाएंगे, एकदम निखर जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक?
तो आइए देखते हैं कि हम डीमार्ट से क्या क्या लेकर के आए हैं। तो दो पैंट लिया है बेसिकली, ये वंशु के ब्रश का सेट लिया है, तीन ब्रश का। उसका ब्रश थोड़ा ख़राब हो गया था वंशु का, क्योंकि वो चबाती बहुत ज़्यादा है ना। और ये एक दो तीन तीन टी शर्ट लिया है मैंने, और दो ट्राउज़र्स लिए हैं। बहुत प्यारे ट्राउज़र्स हैं, मतलब पहनने के बाद इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत दिन से मुझे ऐसा मतलब ब्रॉड इलास्टिक वाला पैंट चाहिए था घर पे पहनने के लिए, और एट लास्ट मिल गया मेरे को। और इसके साथ साथ ये वंशु के लिए, आजकल वो पेंसिल रबर यूज़ करती है तो इधर उधर फेंकाते रहता है, तो वो आराम से, मिकी माउस उसको पसंद भी है तो आराम से उसका इसमें डाल देंगे तो इजी टू यूज़ हो जाएगा। ये मैंने लिया है, आपको वीडियो में भी दिखेगा कि मैंने ये गुलाब जामुन प्रीमिक्स लिया है। बहुत दिन हो गया था घर में गुलाब जामुन बनाए हुए, सोचा ले ही लेते हैं। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, अगर आप डीमार्ट में जहाँ कहीं भी देखते हो ना ये बाय वन गेट वन फ्री लिखा हुआ, तो इतना जान जाओ आप कि अगर आप एक प्रोडक्ट भी उठाते हो तो इसका आपको आधा ही प्राइस लगेगा, पूरा प्राइस नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ अपनी त्वचा के लिए, इस त्वचा को निकालने के लिए ये मैंने एक क्रीम लिया है और एक पाउडर लिया है, दोनों ही ख़त्म हो गया था मेरे पास। तो बस डीमार्ट से मैंने इतना ही कुछ लिया है, अभी पहन के मैं आपको नहीं दिखाने वाली हूँ कोई भी ड्रेस, क्योंकि सच में कोई शक्ति नहीं बची है मेरे अंदर। अब वंशु भी उठ चुकी है, वंशु को खाना खिलाने का भी टाइम हो गया है। मैं आपको ये सब ट्राई करके दिखाऊंगी कल, मतलब पक्का नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का मैं ये ट्राई करके दिखाऊंगी। वो तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। पब्लिक रिएक्शन जो देखना था शॉक्स पहन करके, वो आया रिएक्शन, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई एज़ यूजुअल। डीमार्ट में ज़रा सा भी कैमरा ऑन करना अलाउड नहीं था। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आज का व्लॉग, मैंने नीम खाना, बहुत तेज हो रहा है, मतलब मुझे अच्छा लगा है आज का व्लॉग। आज से पहली बार मैंने नीम खाना स्टार्ट किया है, नीम के पत्ते आपने आप देखोगे जब मेरा मॉर्निंग का आप देखोगे कुछ कुछ रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली नीम का पत्ता मैं क्यों खा रही हूँ, वो ब्लड को बहुत अच्छा प्यूरीफाई करता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, अब नेक्स्ट व्लॉग में ही मिल लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों लड़कियों को इतना शॉपिंग पसंद है। अच्छा आपको आपके लिए एक क्वेश्चन है, हम लड़कियां वुमेन हो गई, हमारे लाइफ में तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है शॉपिंग, सबको ही शॉपिंग बहुत पसंद है, मुझे छोड़ के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है शॉपिंग, क्योंकि बहुत ट्रायल करना पड़ता है इसलिए नहीं पसंद है। तो पहले मैंने बता दिया है शॉपिंग करना पसंद है, और जो दो बाकी के हैं वो आपको बताना है, और इसका मैं आंसर दूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सोचिए वो दो चीज़ क्या है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।